हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं। सो, आज मैं आ गई हूँ मेरी जो स्मॉल वाली बालकनी है इसको क्लीन करने के लिए। और आप यहाँ देख रहे हो कि ये एकदम से हम लोग स्टोर रूम जैसा यूज़ कर रहे थे। रियली काफ़ी दिनों से हमने ये किया है और बहुत सारा गार्डनिंग का एक्स्ट्रा सामान, प्लांट्स वगैरह, एक्स्ट्रा गमला वगैरह सारा कुछ हमने यहाँ पर रख दिया था। तो एक्चुअली ना यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पेंट का काम करेंगे, वॉल को पेंट करेंगे, क्योंकि ये एकदम से वाइट वाला पेंट नहीं है, थोड़ा सा ऑफ वाइट है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बालकनी को हम लोग वाइट पेंट में पेंट करें। सो इसीलिए हम लोग पहले इस बालकनी को पूरा खाली करेंगे। यहाँ पे अतनु भी मेरा हेल्प कर रहा है क्योंकि ये जो गमला है ना बहुत ज़्यादा भारी है। जब भी मैं बैल्कनी का वीडियो शेयर करती हूँ मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि जो ये आर्टिफिशियल ग्रास है इसको मेंटेन में कैसे करती हूँ, इसका क्लीनिंग प्रोसेस क्या है। सो, एक चीज़ मैं शेयर करूँगी, इसको मेंटेन करना बहुत आसान है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा केयर देने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो ग्रास है ना इसको मैं वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर लेती हूँ, कभी कभी जो ब्रश आता है उससे भी आप क्लीन कर सकते हो, मैं उससे भी कर लेती हूँ, बहुत आसान है। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, बारिश के टाइम ये थोड़ा बहुत जब गीला हो जाता है तो नीचे जो होल रहता है उसके कारण ना इसका पानी जो है नीचे से ड्रेन आउट हो जाता है। सो, ये आराम से सूख भी जाता है। सो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डस्टिंग कर रही हूँ। और बालकनी क्लीनिंग के ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। फिर स्टार्ट करते हैं बालकनी को पेंट करने का काम। सो, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो वॉल है थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर में है। सो, अभी हम लोग इसको एकदम से वाइट करेंगे ताकि ये जो बालकनी है ये एक्चुअली स्मॉल बालकनी है, सो, थोड़ा सा ब्राइट और बड़ा लगे। सो, यहाँ पे हम लोग वाइट कलर का यूज़ कर रहे हैं और ये एशियन पेंट का वाइट ग्लॉसी कलर है। इसके बारे में पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में शेयर किया हुआ है, अगर आप चाहते हो तो मैं इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। सो, ये काफ़ी अच्छा कलर है, जो लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था कि इसको हम लोग मतलब क्लीन भी कर सकते हैं वॉल को। सो, ये हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो फाइनली पेंट का काम ख़त्म हो गया है, मैंने नीचे जो फ्लोर है उसको भी क्लीन कर दिया है। अभी ये ड्राई होने के बाद कारपेट को हम लोग फिर से बिछा देंगे और उसके बाद बाकी का काम स्टार्ट करेंगे। और ये जो पेंट है ना बहुत जल्दी सूख जाता है। सो, पेंट करने के बाद ना कोई भी जगह एकदम से नया लगता है, और स्पेशली जब वाइट कलर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो जगह ब्राइट और बड़ा भी लगता है। सो, यहाँ पे तो एक काम ख़त्म हो गया है, अभी बाकी का काम करेंगे। लेकिन आप जो पेंट देख रहे हैं ना ये हमने 4 महीना पहले किया था और अभी 4 महीने के बाद हम लोग बाकी का काम कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट जो वीडियो था मेरा बालकनी का उसमें आपने देखा है कि यहाँ पे मैंने एक ग्रास का वॉल जैसा डिज़ाइन बनाया था, इस बार हम लोग कुछ और सोच रहे हैं। यहाँ पे हम लोग वुड का एक डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं। सो, वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसका मेज़रमेंट, पहले इसको मेज़रमेंट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे अतनु ड्रिलिंग कर रहा है। सो, यहाँ पे पहले इसको सेट करेंगे उसके बाद इसको फिक्स करेंगे। सो, यहाँ पे आप जो फ्रेम देख रहे हो ना ये हमने अमेज़ॉन ऑनलाइन से ऑर्डर किया है। सो, ये हम लोगों को रेडीमेड मिला और ये ना आप जितना लंबा चाहो उतना लंबा ले सकते हो। सो, ये पार्ट बाय पार्ट आता है, आपको इस तरह से इसको जॉइंट करके फिक्स करना रहता है। ये जैसे एक लैडर की तरह रहता है। सो, इसमें आप किसी भी प्लांट को या किसी भी चीज़ को हैंग कर सकते हो। सो,
यहाँ पे हम लोगों ने एक पैटर्न रेडी किया है। दो लैडर हमने बनाया है और उसके बाद ऊपर का जो आप पॉट देख रहे हो ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये भी मैंने अमेजोन ऑनलाइन से ऑर्डर किया है। उसको ऊपर रखेंगे और इस तरह से दो लैडर को रखेंगे और नीचे के साइड और एक पॉट रखेंगे सर्कल वाला। ये जो एक डिज़ाइन बनेगा ना ये एक पैटर्न रहेगा। इस तरह से वॉल को इस बार हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं एक मनी प्लांट, जैसे इस लैडर के ऊपर क्लाइम कर रहा है इस डिज़ाइन में। इस तरह से मनी प्लांट रहने में भी आसानी रहेगा क्योंकि मनी प्लांट को इस टाइप का कुछ चाहिए होता है क्लाइम करने के लिए। ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से हमने एक साइड मनी प्लांट देके कवर कर दिया है और दूसरे वाले लैडर में हमने एक आर्टिफिशियल मनी प्लांट को रख दिया है क्योंकि ऊपर का जो पॉट होता है प्रैक्टिकली उसमें पानी डाल के मतलब उसको केयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा हाइट में है। इसीलिए हमने वहाँ पे एक आर्टिफिशियल प्लांट्स को रख दिया है और नीचे का पोर्शन जो है वो हमने रियल मनी प्लांट रखा है। इसको केयर करना बहुत आसान रहता है, नीचे का पोर्शन है तो इसीलिए। इस तरह से हमने ये जो वॉल है इसको ऑर्गेनाइज किया है। लास्ट जो मैंने पॉन्डिचेरी शॉपिंग व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें मैंने सोचा था कि ये दो अलग अलग मुझे मिल गया है, बट आप में से बहुत सारे फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया है कि ये क्वीन एंड किंग का जोड़ी है। थैंक यू सो मच। बाद में मैंने भी चेक किया कि हाँ रियली ये ऐसा ही है और इसको मैं विंडो के दोनों साइड की जो वॉल है उसमें यूज़ करूँगी। मैंने बहुत कुछ सोचा था, बहुत अलग कुछ सोचा था, बट इसको देखने के बाद मेरा सारा प्लान जो है चेंज हो गया है। ये डेकोर पीस यहाँ पे कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी मैं ये जो सिटिंग एरिया है इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ये एक्चुअली मेरा एक टी टेबल है तो इसको मैं सिटिंग के हिसाब से यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्राइट कलर का यूज़ किया है, रेड एंड येल्लो। रेड एंड येल्लो काफ़ी मुझे लग रहा है कि अच्छा लग रहा है क्योंकि पीछे का वॉल जो है वो एकदम से वाइट है और साथ में मैंने येल्लो कलर का कुशन ऐड कर दिया है। और अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा वुड का फ्लोर क्रिएट करूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रीन था ना, तो अभी थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे ये क्रिएट करूँगी। और ये वुड का जो फ्लोर है ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, मेरी लास्ट जो बैल्कनी वीडियो गया है उस पर। ये हमने अमेजोन ऑनलाइन से ऑर्डर किया है और ये ना इस टाइप के पीसेस में मिलता है। और अभी आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, वो है प्लांट्स को ऐड करने की बारी, मतलब इसमें जान डालने की बारी। प्लांट्स किसी भी जगह को जिंदा कर देती है। ये प्लांट्स के ऊपर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है जब हमने नर्सरी से प्लांट्स लेके आए थे। वो वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि कहाँ से हम लोग प्लांट्स को लेते हैं और किस तरह से हम लोग इसका टेक केयर करते हैं। और
और ये जो क्लोथ्स होल्डर है ना, इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। तो ये हमने लोकल मार्केट से लिया था, लोकल शॉप से। यहाँ पे बहुत सारे इस टाइप के शॉप है। सो अगर आपके एरिया में इस टाइप का शॉप अभी तक नहीं है, सो आप ऑनलाइन से भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। इसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और इसके साथ साथ सारे जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, सारी चीज़ों का लिंक मैं डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। सो प्लीज़ ये मत सोचना कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो है। सारे जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, मुझे अच्छा लगा, सो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सो ये था मेरा आज का बैल्कनी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और काफ़ी दिनों से आप लोग भी वेट कर रहे थे, मैं भी वेट कर रही थी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके लिए मुझे वेट करना पड़ा। तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हाँ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की लाइक कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस लेके मैं आने वाली हूँ इस टाइप की। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।